हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस थापा। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस। नाउ टुडे वी स्टार्ट स्ट्रेट लाइंस, और 10th चैप्टर इज स्ट्रेट लाइंस बेसिक्स। लास्ट वीडियो मैंने शेयर कर दिए हैं जो 10th के बेसिक्स थे या फिर प्रीवियस कॉन्सेप्ट थे, मैंने पिछले वीडियो में आपसे शेयर कर लिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइंस। आखिर स्ट्रेट लाइंस होता क्या है, किस तरह हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, या फिर क्या है स्ट्रेट लाइंस के बारे में स्टडी करेंगे इन क्लास 11। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन आप जानते हैं, दिस इज स्ट्रेट लाइन, राइट? दिस ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, राइट? स्ट्रेट लाइन कैसे बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन। इनको नेम देते हैं तो ए बी सी डी पी क्यू, दीज आर स्ट्रेट लाइंस। मींस ए बी बी सी सी डी पी क्यू, दीज आर स्ट्रेट लाइंस। ये क्या है, स्ट्रेट लाइंस है। नाउ आप जानते हैं ज्योमेट्रिकली कि दिस इज लाइंस, स्ट्रेट लाइंस। नाउ मैथमेटिकली हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, यहां हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को मैं एक बात बता दूं, जो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है लीनियर इक्वेशन, इन क्लास 10 9th एंड इन ऑलरेडी 6th और 8th बेसिक्स आपने पढ़े लीनियर इक्वेशन, वहां पे आपने स्टडी की। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, मींस आपके जो लीनियर इक्वेशन होते हैं वो इक्वेशन ऑफ लाइन होते हैं, लाइन के इक्वेशंस को शो करते हैं। क्योंकि आपने ग्राफिकली देखा है इन क्लास 10 9th, आपने कभी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है, तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के बाद आपने देखा होगा कि ग्राफ में हमेशा स्ट्रेट लाइन, जैसे सपोज ये एक्सिस है तो स्ट्रेट लाइन हमेशा आपकी इस तरह कुछ छाई होगी ग्राफ में। लीनियर इक्वेशंस के अगर आपने ग्राफ में कभी प्लॉट किया होगा तो 9th 10th में इस तरह स्ट्रेट लाइन आपके हमेशा, तो जो एक लीनियर इक्वेशन थे वही इक्वेशन को लाइन होते हैं, राइट? जैसे 2x इक्वल टू 5 कह दिया या फिर x इक्वल टू 3, दीज आर लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, हैविंग डिग्री 1, द इक्वेशन हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। डिग्री 1 मतलब हाईएस्ट पावर 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, राइट? अब दिस इज लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, एंड दिस इज आल्सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एंड आल्सो 3x plus 5y minus 3 equal to 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। दिस आल्सो इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हियर x एंड y आर टू वेरिएबल्स, राइट? नाउ दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट सच टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। स्टूडेंट्स, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, एंड लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट? दिस सो इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन को शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब यहां पे बात करेंगे कि स्लोप क्या होते हैं इक्वेशन की, एंगल किस तरह इनका इंक्लाइनेशन होता है, इसके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे यहां पे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन, यानी जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका एंगल इंक्लाइनेशन हम कैसे चेक करते हैं या फिर कहां से देखते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और एक कॉमन चीज में बता दो, जो हम इक्वेशन ऑफ लाइन या फिर स्ट्रेट लाइंस पढ़ रहे हैं ये हमेशा हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखेंगे, कौन से एक्सिस पे, कार्टेशियन प्लेन पे या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखेंगे। दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस वन एक्स एंड दिस वन एक्स डैश, दिस विल बी वाई एंड दिस वन वाई डैश। Now this is O origin and angle of inclination. कभी भी हम angle of inclination अगर देखते हैं तो हम positive x axis
सपोज दिस इज अ लाइन, ये कोई लाइन है, अब इसका एंगल चेक करते हैं, तो हमेशा एंगल हम चेक करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कहां पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे एक्स एक्सिस के साथ, यानी यहां पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस का लाइन के साथ ये एंगल हो रहा है, सपोज दिस इज थीटा, तो थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो क्या है थीटा है, और एंगल हमेशा देखिए कहां से हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, सपोज अगर यहां पे इस तरह आ गया लाइन का क्या आ गया, सपोज दिस इज लाइन एंड दिस वन एक्स एक्स डैश वाई एंड दिस इज वाई डैश, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो हम देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने कहा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, आप देखेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहां से ये बनेगा दिस इज थीटा, यानी दिस इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इन अदर सेंस इस तरह देख लीजिए, सपोज अब ये ऐसे आ गया लाइन यहां आ गई यहां पे, तो अगेन हम क्या करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, यानी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है यहां पे दिस इज द एंगल, यहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये थीटा बन गया राइट, अगर इस तरह आ गया सिचुएशन यहां आ गई स्ट्रेट लाइन राइट, तो अगेन हम एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखेंगे, यानी ऑलवेज वी टेक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम चेक करते हैं।